इस्लामिक देशों में आज भी रूढ़िवादी परंपराएं चल रही हैं। धर्म के नाम पर महिलाओं को शरिया कानूनों का पालन करने के लिए कहा जाता है और उन्हें आधुनिकता के इस दौर में भी पर्दे के अंदर रहने के लिए बाध्य किया जाता है। और जो महिला इस बुर्का या हिजाब प्रथा के खिलाफ आवाज उठाती है, उसका अंजाम क्या होता है, ये ईरान में 22 साल की महसा अमीनी के साथ हुए बर्ताव से समझ सकते हैं। महसा अमीनी का बस इतना सा गुनाह था कि उसने हिजाब नहीं पहना था। बस यही बात ईरान की कट्टरपंथी सरकार को बुरी लग गई और ईरानी पुलिस ने महसा अमीनी को इतना मारा पीटा कि हिरासत में उसकी मौत हो गई। महसा अमीनी की मौत के बाद से ही ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसे अब पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है। सऊदी कनेडियन लेखिका इंसाफ हैदर तो हिजाब के विरोध में इस कदर उतर गई कि जिस हिजाब से महिलाएं सिर ढकती हैं, उसी हिजाब से इंसाफ हैदर ने अपनी जूती साफ की। हिंदुस्तान के कर्नाटक राज्य के कॉलेजों में जब हिजाब बैन किया गया तो कुछ कट्टरपंथियों के दिलों में इस कदर आग लग गई कि वो सीधे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। तो वहीं दूसरी तरफ जिस ईरान की पहचान ही कट्टरपंथी इस्लामिक देश के रूप में है, उस ईरान से आज हिजाब के विरोध की ऐसी आवाज उठ रही है जिसने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि इसी हिजाब की वजह से एक 22 साल की लड़की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। और आज इसी महसा अमीनी के समर्थन में सिर्फ ईरान ही नहीं, दुनिया की तमाम मुस्लिम महिलाएं भी हिजाब के विरोध में उतर गई हैं। जबकि सऊदी अरब मूल की कैनेडाई लेखिका इंसाफ हैदर ने तो कुछ अलग ही अंदाज में हिजाब का विरोध जताया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो सिर से हिजाब उतारकर उससे अपनी जूती साफ करती हुई नजर आ रही हैं। हिजाब से जूती साफ कर रही इंसाफ हैदर ने इस वीडियो के साथ लिखा है, मेरी बहन महसा अमीनी जिसे मारा गया और उन तमाम मुस्लिम महिलाओं के साथ हूं जो हिजाब के बंधन से मुक्ति चाहती हैं। हिजाब के विरोध में उतनी सऊदी मूल की लेखिका इंसाफ हैदर जहां हिजाब से अपनी जूती साफ करती नजर आई, तो वहीं ईरान में तो इस हिजाब के खिलाफ और भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम ईरानी मुस्लिम महिलाएं अपने बाल काटकर विरोध जता रही हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं हिजाब उतारकर उसे जला रही हैं। हिजाब के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के भड़के गुस्से का शोर अब धीरे धीरे पूरे विश्व में सुनाई देने लगा है। और जो भी इन महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को देख रहा है वो उनके समर्थन में उतर रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत के सो कॉल्ड मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने ईरान में हिजाब के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पर अभी तक जुबान नहीं खोली। और जुबान खोलेंगे भी कैसे, क्योंकि भारत में तो हिजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। वैसे भारत में हिजाब के विरोध पर छाई चुप्पी को लेकर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।